तारीख के अड़े नमूने से जी साई जी एम सैद माना कुओ कुए में मिलाबो है जी सजे तारीख के एक एक स्टेप के बे से गंढबो है सिंध के गुलामी जै सबब जी साई जी एम सैद साइंसी अंदाज में पेश कया इन खां पहिरियां साई वांगुरु कें भी इन तारीख रखी ना यो सागो ही दौर है जैमें सूर्य बादशाह विढ़े तो पर उनके या वेड़े विरसे में मिली हुई उनके हजारे हुर हुआ उन कर उन हुरन के हु रियासत से वेढ़ाए वो अंग्रेज से टकराए वो साई जी एम सैद वटे पाकिस्तान ठहण वक्त कें भी किस्म की का फौज कान्हे कें भी किस्म की का मुनज़िम तंजीम कान्हे का मुस्लिम लीग जड़ी मौके पर तंजीम आए जैमें साई जी एम सैद कांग्रेस के अंदर वेठल हिंदू इंतहा पसंद सोच का मुतासिर थी करे साई बे पासे हले वो यानी उन वक्त की प्रोपेगेंडा जैमें मजहब के बुनियाद बनाए वो वक्ती तौर से साई जी एम सैद उन जो हिस्सों बन गया पर जी ही साई जी एम सैद उन सजे अमल के समझण शुरू कर तो साई के गाल समझ में अची वही तो ये सजो मामलो अस गलत रुख में वही तो वे एकदम जना असा साई इख्तलाफ रखा बहरहाल साई की सजी जो जुदोजहद है पूरी जिंदगी की वह नेक नियति के बुनियाद पर बदल है नेक नियति जी होंगी चंदा भुली भुली जहाँ पा अचे तैं भुलो न चेजे जी एम सैद भी इं भुली भुली नेठ उन रस्ते अची पोतो साई जी एम सैद 1972 में नेठ सिंधु देश की गाल कई जी एम सैद जैसे जिंदगी में आज़ादी की गाल न कर सिंधु देश की गाल न कर जी एम सैद के पुठिया हुजो ही ना जी एम सैद के इन साइंसी नमूने से सिंध के हजारे साल की तारीख के आज़ादी वाले फिक्र से जोड़ने वो जो अमल हो बेसिकली यो ही कमाल हो हुर विढ़िया आज़ादी लाइ पे विढ़िया पर जी शहीद थे उन खबर नहीं तो असा वा लाइ पे विढ़न वतन कफन आज़ादी मौत माना चिटो नारो आ बावजूद भी अज भी माना या माना वही हैरत जड़ी गाल हाँ जी बच्चा खुचा हुर बच्चा उ चवन था असा पाकिस्तान ठाने लाइ पे विढ़िया साई जी एम सैद सिंध गल किताब जन लिखी आई साई उन्हें यो न लिखी आ तो बबा मुझी सूर्य बादशाह से कचहरी थी सांगर नावल में ही पैसे जा जैमें उस्मान रिप्लाई चवे तो बबा सूर्य बादशाह वट मैं वो आया चौथी माँ अच मुस्लिम लीग में तो सिंध के आज़ाद करायों तो सूर्य बादशाह अचे तो जैमें सर ए खान बहादुर पार्टी में उ भी सिंध की आज़ादी की गाल करें वो तो धाको ही चवूँ आई साई जी एम सैद चे तो साई मां तो सुत थी करारदाद पास करण वाले हाँ तो सूर्य बादशाह खिली चे तो हा जी एम सैद तो करारदाद पास की अंग्रेज तो के आज़ादी दई छन था साई के चीं तो पैं तो पाकिस्तान ठहंदो को जो तो अड़ो तो वढ़ियल चिचड़ियल पाकिस्तान हों को वरी भी वरी अंग्रेजों को गुलाम हों साई जी एम सैद वह एक एक शे अरब अरब सिंध गल असें तारीख किताब दई जैमें साई कबूल किया तो सूर्य बादशाह सही हो मां गलत एडी चिट्टी तारीख लगी पई उनके बावजूद भी नक की पकाई से मन हाँ कूड़ था हणन पाया जैसे तो साई जी एम सैद जैसे फिक्री पे लगे साई जी एम सैद उन वक्त असें कतार में अकेलो दिसण में तो अचे जो रस्तों इं आस्ते आस्ते कढ़े तो जैसे सारी दुनिया जहाँ मूल बे पास बिठा सारी सिंध जहाँ मूल बे पास बिठा साई जी एम सैद बे पास बीठो उन मेल अकेलो जी एम सैद है जो तारीख के पास ना बीह रो है अकेलो जी एम सैद है जो इन रियासत से टकरा टकाए तो नजरियाती तौर उनके भनी भोरा भोरा कर छे साई जी एम सैद रस्त कटे तो किए रियासत के माना जो चिट्टो कटे उनकी तारीख के वाजे कटे नेठ से 71 तीन तजुर्बा कर नतीजे से पुजे तो बाबा ये जो तारीखी अमल है वो है असड़ी कौम आयू बहसियत कौम के असा जिंदा रहो पव असानी बका असान वजूद जो बका जो तरीक़ेकार वो सिर्फ इो आई बहसियत कौम की आज़ाद हिस्सत में रहूँ तदें ही तारीख बचा सकूँ तदें ही वजूद बचा सकूँ माना साई जी एम सैद उन फलसफे के समझो उन हालतुन में जैसे असा जो हिता जो मानू जो है दार के दौर में अरबन के दौर में सिंध नेठ उन धर्म के जेड़े अगत हली पाकिस्तान छाण जो बुनियाद विधा नेठ सिंधी कौम के तबाही जो माना कुन में किणो पो ये सागो ही तबाही
असा वडड़ा ऐसी चुका माना यो ही सबब अस समझ में इंदो सच लड़ने की मुखालफत शोपे कई शोपे रोहल साई उन खिलाफ वेड़ो शोपे भिटाई साहब साईं जी एम से मकरू सोच में पहरे ढी का वी आए उनके उघाड़ो करो भी साईं जी एम से ही आए साईं जी एम से ही उन रियासत के चेहरे के उघाड़ो कयो उन ही उन विचा जो मजहब जो उन्होंने गिलाफ चाढ़ो उनके साईं लाहे उघाड़ो कर छो तो इन रियासत जहा मफाद किड़ान बहरहाल 71 में बंगाली धार थी हाँ अस बीठा एकड़ो जी एम सहदो जै इन रियासत की गोट भगी तो इनमें पंजाबी सिर्फ पाँच मफादन के तहत वो पाँ रियासत के पाकिस्तान के मन परदे में उन्होंने वही पनाह वरती है असि कौमी गुलामी के पुठियाँ उन्होंने मजहब में पनाह वरती है इन हिसाब से असि कौमी सवाल इन रियासत के अंदर मुंझल सूरत में मौजूद है तद साईं जी एम सहद के एतरा किताब लिखना पाया साईं जी एम सहद के इन रियासत के चिट्टो करण के लिए सजो नूर निचोड़ो पो साईं यको जेल में रो पर साईं घड़ी न सुतो ए साईं जी एम सहद नेठ इन रियासत जहाँ बुनियाद उखेड़ो नजरियाती तौर साईं जी एम सहद अकेले सर इन रियासत के शिकस्त दई है रो है अमल जो मामलो हाँ अज असी आयो उ सजी जी तारीखी जंग आयो अस कुलन से अच्छी पौती है तेज कर शेख याद जो शेर उठन सा पो तो शालाए तकी तो कंधी से भी बेड़ी का भी न अचणी आ जे तू भी अची वण जा तो बुखारे वनो आ इन राह से असा करो पवो इन मेल अस मदद आसमान में कान थी कोई मदद ही असा वो इन अज अस जंग जी जी एम से शुरू कई वह अस कुलन से इन मेल इन मेल तक अस जंग विणी आ असि के गोठन में बहराड़न में जिते किथे अंजे प्रचार के फैलानो है वक्त के हालतुन तहत उनके अधिक चिट्टो करणो है अज असा घर बहलाना असंख ही तंजीम जो भरजिलो भी थो असंख ही इन फिक्र के पास थी चिट्टो थी पीणो है दिफा भी करणो है मुनजिम भी करणो है ऑर्गेनाइज भी थियणो है हाँ वो दौर ना है जैसे अस इो चूं तो लीडर कोने को वक्त अस उत पुता जिते तझा अस मझा हर एक के लीडर थियणो है एकड़ो लीडर मसले जो हल ना एकड़ो लीडर के रियासत निशानो बढ़ाए उन शहीद बशीर खान वगुर अगर शहीद कर छींदी तो मायूसी के कुन में वही किरदे तंजीम जो अगुवान जो हों वो लीडर हों कौम की अगुवान जो होंगी वह तंजीम होंगी है तंजीम जो अगुवाणन जो मजमू हों जै कौम के अस तंजीम दई था वनों आज़ादी के फिक्र के बुनियाद से अस सिंधी कौम के एक तंजीम दूँ था तंजीम माना अड़ी कुवत जी मुनजिम होंगी है रियासत एक मुनजिम कुवत है एक मुनजिम कुवत जो रद्द भी मुनजिम कुवत है गैर मुनजिम कुवत उनके शिकस्त ना दई सकती रियासत वट वसीला रियासत वट पांजा इदारा रियासत वट इंटेलिजेंस है रियासत वट इकोनॉमी है रियासत वट माना इन सजे सिस्टम के हलण के लिए माना जो है रियासत वट आर्मी है माना रियासत ताकत जो इस्तेमाल भी आखिरी ऑप्शन तौर कर सी पर अस है अस उन का भी शे कान का माना अस ऑर्गेनाइजेशन के पास से वह ही ना अस तंजीम ठाई कान का तंजीमू अस नाले मातर आन तेजे करे असा के नाले मातर तंजीमुन के तंजीम बनाणो है असा के बेरूह तंजीमुन के में रूह विझणो है असा के पांजे जेके नाले जो ऑर्गेनाइजेशन आन उनके अमली तौर ऑर्गेनाइज करणो है असा के पांजे पान के भी ठाणो है पांजे लाशऊरी में निकरी शऊर में अचणो है पांजे जहालत का इनकार कर इल्म की दुनिया में अचणो है मुताले के वसी करणो है पांजे आम मानू के अडो पांजे फिक्र जो दिफा करणो है दलील देना है खुद पान के समझणो है तो अस केतरा कमजोर आयो असो पव जैसा अस अं ईंद नस्ल के तैयार कर इन जंग के अगत मुंतकिल क्यों तेज कर अज अस वा तारीख जो सडा वो अस अची बीजी वो हाँ असा का यो अगत वनो इन कर तारीख की यह जिम्मेवारी असंद नस्ल दा मुंतकिल करनी कर भली खड़ी अस का वही जान न हो वही डाप न हो पर अस स्प्रिट है जज्बो है अस उन जज्बे के जो है अमल में तब्दील क्यों असे शऊर के अमल के मैदान में परख्यूँ अस जो समझो उनके धरती के मान तुजाऊँ उन उन उथल उथंद सवाल जवाब मुनासिब जवाब दूँ पान के आलमी हालतुन में समझने की कोशिश क्यों तेज कर धरती के बका जो सवाल है
धरती के इन बका के सवाल में अज अस हजारे सिंधी अड़ा आयो जी ये समझू ता अस इन रियासत से कि मुंह दई सकता फिक्री तौर पर अस कई दलील आन साई जी एम सद असें जबान दई केतरा दलील दई तेकर रियासत अस नजरियाती बुनियाद नी अस शिकस्त दई सके पर असा ते अस आवाम जो वो हिस्सों अस धार बीठो आ वो समझे तो यह जंग जी एस वन की रियासत की जंग आ असें इन गाल के तब्दील करणो आ असें कौम के यह गाल महसूस कराणी आंग जी एस वन की ना जी एस वा पैं इकदार ला ना वड़न पर जी एस वा पैं इंदड़ नसल ला वड़न था आम मू विड़े तो पैं एक नसल ला जो नौकरी वे तो जो माना बनी बारो रोजगार करे तो बचड़ा जवान थियन तो वह बुख न मरन पर कॉमरेड आई जेके आज़ादी की फिक्र से हथियारबंद हूँ उड़ा नसल लाए उड़ा हजारे साल अगत उसे सभी नसल ला विड़ा उसे पुट के भी उन ही नसल में गणींदा जो धरती से रहंदड़ बाकी मूँ हूँ तो उसे सागी बाती बोली गलड़ हूँ उनको वो सो नसल है तेज कर असें नसल ला सब कुछ करणो है पैर तो असें साई जी एम सद वागर इल्म के पास दा असेंगे गर्व थियणो है बे मरहले में उन जिदोजहद के आवाम में लाइण है अगे मरहले में कौम का यो कम वो है जैसा उ कौम नजरे के पांजो करे इतिहाब की अलामत चवन था तो अस मुतहद ना सही गाल बाकी अस मुतहद ना छाण तो अस अ नजरे जो है सारी कौम न वरत ओन न किया जिंधी कौम इन नजरे के ओन कर वे जट कलेरी नारे जा अस जतोई साई जी एम सदी फिक्र के सभी ओन कर वन समझी वन तब अस गुलाम आयो असि धरती जी वह धारे के पेर हेठा हली वही है असो वतन जो है साम्राज्य पंजाब जो है वो कब्जो कर वेठो है असो दरिया जो है उनको सजो पानी हू खी तो वे डैम तो ठाए पो असि जरखेज़ जमीन है उनका 28,000 रुगो खेरपुर आर्मी के दिना वह 52,000 एकड़ रुगो निगरान दई वही है उनका मलीर की जो है मतलब 200 एकड़ जमीन है 2.5 करोड़ में दिनी वही है ये सब कुछ जो असो खसजे तो अगर असो मू यो समझे तो इन सजे जो असर अस नसल से थियणो है वो यो समझे तो भाई इन धरती से असाजा जो मसलान की जड़ वह रियासत है जो अस कंट्रोल क्यों वेठी है पैं दुश्मन के सुे वजन तो पा में दुश्मन छो रखन को जाती दुश्मन छो हुजन जाती दुश्मन इन करें जो उन्हें गडियल दुश्मन न सुत है माना अस समझूँ था तो इन कर इतिहाद न तो जुड़े जो वो फिक्र जो इतिहाद की अलामत है वो फिक्र को पोतो है सुरन के मिलाइंदो है सीमेंट कौमुन के मिलाइंदो है रत कौमुन के मिलाइंदो है नजरियो साई जी एम सद जो नजरियो फिक्र अस सारी कौम ते फैलाने में अना ती कामयाब ना देही साम्राज्य पुछ लुटकाऊ साम्राज्य अंग्रेज के कुख में पैदा थन्दड़ दलाल साम्राज्य है वो दलाल साम्राज्य भी उन साम्राज्य की कड़ी आ अस जैसे नफरत जो मरकज पंजाब के बनाऊ था इन कर बनाऊ जो वो साम्राज्य जो मरकज है तो अस रुगो उन नफरत न कंदी अस दुनिया के जुमले साम्राज्य का नफरत कदी इन साम्राज्य से विड़न लाए बे साम्राज्य का मदद ना वी बिल्कुल ये असें ना करणो तो अस माना पैं असो जो वडेरो असा नो ठे उन नफरत इन कर असा नो ठे पर अस उन वडेरे के बजाय अस तमाम वडेर के खिलाफ हुजन घुर्जों जे पान में मथे इतिहाद पैदा कंदा जैसे आवाम उन मुठ में निकरंद है आज़ादी घुरंद है तो वडेरा पान में मुतह थी वन इं ही जैसे साम्राज्य सारी दुनिया में माना आवाम उन विड़ तो साम्राज्य जे भी सब पान में मुतह थी अमली तौर पर उ कें भी रियासत के अंदर अवामी बगावत थी तो वह सारी दुनिया के साम्राज्य गजी उन्हें कुचलींदा तो बलोचिस्तान छो तो आज़ाद थे तो उनकी धरती से हालांकि जंग जो चक्कर भी जरे घट कंप्लीट किया पर इन कर साम्राज्य पान में मिले हैं बज़ाहिर वो साम्राज्य धार था लगन पर वो मुतहद आए तेरे कर फ्रांस फिन तो वो मुतहद आन ते कर मुंतशिर आयो जो तुम मुतहद तो वो मुंतशिर थी इन कर असि जंग विड़णी है उन लाइ पान भाड़णो पवो अस कें भी बे ना भाड़ो तो फलानो मदद कह टीरो मदद कह मटीरो मदद कह इंडिया मदद कंदी अमेरिका मदद कंदो कोई भी कौन मदद कंदो कोई भी तरक्की पसंद मुल्क कोने कोई भी ये जेके भी मुल्क आन ये पैं जाती मफादन ला था माना इस्तेमाल कन बेन कौमुन के तेज कर मदद से अस आज़ादी ना हासिल कर सकूँ असें हकीकी आज़ादी खपे उ आज़ादी जी अस बल से हासिल क्यों पैं ताकत से हासिल क्यों उ आज़ादी जैमें साम्राज्य का मदद वन का बगैर हासिल क्यों
तंहिंजे करे अहिड़ी आज़ादी जेका असां पंहिंजी तारीख़ पंहिंजे हथनि सां पाण लिखंदासीं उन में असांखे हिसो न ॾियणो पवंदो। ॿिया जेकॾहिं मदद कंदा त आज़ादी जे ऐन वक़्त ते आख़िरी मरहलनि में असांखे चवंदा त तव्हां हाणे असां वटि गिरवी छा था रखो, तव्हां असांखे पंहिंजा वसीला केतिरे वक़्त लाइ गिरवी ॾियो था, तव्हां पंहिंजी धरती ॾियूं कहिड़ियूं कहिड़ियूं शयूं असांजे हवाले कयो था, जेकॾहिं असांखे ॾियो था त ठीकु आहे, नथा ॾियो त तव्हां हिते ई हथु कढंदासीं। तंहिंजे करे उहे आज़ादी जे सफ़ा ओज ते पुॼाए वरी नए तरीक़े सां असांखे ग़ुलाम कंदा। तंहिंजे करे जदीद दौरु जेको आहे आज़ादीअ जे हासिलु करण जो उहो इहो ई आहे त असांखे पंहिंजी आज़ादी पंहिंजे बल सां हासिलु करणी पवंदी। उहा ज़रूरु देरि पा हूंदी पर उहा जटादार हूंदी, उहा मुस्तक़िल आज़ादी हूंदी। तंहिंजे करे मुस्तक़िल आज़ादी ते हासिलु करण लाइ असां सभिनी खे जहालत जे मथां जेको असांजे मथां पहाड़ पिया हलनि उनखे हटाइणो आहे, ईअं जीअं साईं जीअं सां त हज़ारे सालनि जे तारीख़ मां पाण खे ॿार निर्वार करे ऐं पंहिंजे क़ौम खे माना जेको आहे आज़ादी जे फ़िक्र सां हथियार बंदि कयो। ईअं ई असांखे पंहिंजी क़ौम खे साईं जीअं सां त वांगुरु मुबलिक थी तबलीग करणी आहे, माण्हुनि जे विच में रियासत जे प्रोपेगेंडा खे असांखे ट्राइणो आहे ऐं असांखे साईं जीअं सां जे फ़िक्र खे पाण बि सम्झणो आहे, मुस्तक़िल मिज़ाज सां हलणो आहे ऐं सॼी ज़िंदगी बि अगरि हिन में गरी वञे त हिन ते पछताव नाहे करिणो। इहो बि असांखे न आहे सोचणो त 20 साल गुज़री विया आहिनि अलाए कॾहिं हिन जो पाण असांखे आज़ादी मिलंदी। साईं जीअं सां चयो जे क्याम मिड़नि त बि वेझो भाउ सुपरी, माना जेकॾहिं क़यामत जे ॾींहुं भॼंदो केरु अची चवे त जीअं सां त मुबारक थी तुंहिंजो सिंध तुंहिंजी सिंध आज़ादु थी वई त चवंदुमि शुक्र अलहमदिल्ला, चवंदुमि त क़याम त वेझो चवंदुमि त ख़ुशी जहिड़ी ॻाल्हि आहे, आज़ादु त थी वई न, तारीख़ जे खाते में आज़ादी त लिखी वई न। ईअं करे क़यामत जे ॾींहुं जेकॾहिं आज़ादी मिले न त बि चवंदासीं जल्दी मिली वई आहे। इन करे पुरोमीद थियणो आहे, जिदोजहद खे मुस्तक़िल तौर ते हलाइणो आहे, पंहिंजे ईंदड़ नसुलनि ॾांहुं मुंतक़िल करिणो आहे, रियासत पौड़ी थी थिए असीं जो। तंहिंजे करे असां नंढड़ा हुआसीं, कमज़ोर हुआसीं, थोरा वॾा थियासीं, असांजी क़ौमी तहरीक जवान जमान थींदी थी वञे, ॾींहों ॾींहुं उहा हाणे मथे हलंदी थी वञे ऐं साम्राज्य पोड़ो थो थिए। जीअं वण जीअं भितूं जीअं ॿियूं शयूं पोड़ियूं थींदियूं आहिनि ईअं मुल्क बि पोड़ा थींदा आहिनि, ईअं हीअ रियासत पोड़ी थी थिए, साम्राज्य पोड़ो थो थिए। तंहिंजे करे हू जीअं जीअं पंहिंजे माण्हुनि ऐं असांजे विच में फ़िक्र वारे मामले में असांजा वधीक चिटा थियूं ऐं इन तरीक़े सां जेकॾहिं हीअ सॼी क़ौम इहा ॻाल्हि असांजी सम्झी वेंदी त पोइ उन सूरत में असां जीअं चवंदासीं तीअं थींदो। असांजो उन ॾींहुं सिंधी क़ौम जो ख़ाली न रुगो हिन धरतीअ ते न हूंदी, पूरी दुनिया हुनजो आवाज़ु ॿुधंदी। मिसाल तौरु हीअ रियासत असांखे चवे त भाउ तव्हांजी इलेक्शन था करायूं फलाणे ॾींहं ते, असांजा माण्हू चवंदा हा भली करायो, असां त कोन ईंदासीं। जेकॾहिं पोलिंग स्टेशन ते असांजो सिंधी माण्हू वञी वोट ई न ॾिए त इहो इनडायरेक्ट रेफरेंडम आहे, दुनिया अची हुनखे कोट कंदी त भाउ हितां त को माण्हू निकितो ई कोन्हे, खटे कीअं विया। ऐं उन ॾींहुं जेकॾहिं असांजो माण्हू असांजे चवण हुजे त बाबा वोट न आहे ॾियणो, इलेक्शन में न आहे वञिणो ऐं माण्हू न वञनि त माना रियासत सम्झो ड्रही वई उन ॾींहुं। ऐं जे असां पंहिंजे माण्हुनि खे चऊं त बाबा रोड ते अची वेही रहो पुरम नमूने सां ऐं सॼी सिंध कराचीअ खां उबावड़ो ताईं रोडनि ते अची वेही रहे त हीअ कॾहिं बि रोड न खुलाए सघंदा, केतिरा माण्हुनि ते गोलियूं हलाईंदा। जेकॾहिं असांजा माण्हू चवनि था असांखे हिन रियासत जे कंहिं कारोबार वारे सां कोई तालुक न आहे ऐं ईअं गांधी वांगुरु जीअं गांधी अफ्रीका में हिननि खे परेशान कयो अंग्रेज़नि खे, उते ॿुहारी ॾियण वारनि खे चइबो आहे ॿुहारी ॾियण जी ज़रूरत न आहे छॾे ॾियो, त हुन ॾींहुं परेशान त हाणे ॿुहारी किथां ॾियारियूं। त ज़ाहिर आहे असांजा माण्हू जॾहिं रियासत ॻाल्हाइनि, असांजो माण्हू जेकॾहिं इंटेलिजेंस में वञण खां इनकार करे, माइरूं जेकॾहिं पंहिंजे बचनि खे इहो चवनि त पुटु थञ न बख़्शींदी माए जेकॾहिं तूं हिन रियासत जो एजेंट थिए, जेकॾहिं तूं रियासत धरती सां गद्दारी कई त मां तोखे पंहिंजे पुटु न सम्झंदुमि, त हिते गद्दार पैदा ई न थींदा। जॾहिं गद्दार पैदा न थींदा त असांजी ख़बर हुननि खे केरु ॾींदो, माना असांजी जंग असांजे अवाम सां जुड़ियल आहे, असांजो अवाम ने रियासत सां बाइकाट कंदो त हीअ रियासत पाण ई ढरंदी। ऐं उन सूरत में जॾहिं असां इहो सम्झंदासीं त असांजो माण्हू असांजे चवण में आहे त उन सूरत में आलमी कूतनि खे चइबो त बाबा अचो रेफरेंडम करायो, अचो ॾिसो असां हिन रियासत में बेज़ार आहियूं ऐं असीं आज़ादी उन घड़ीअ असांजा माण्हू जहिड़ी आज़ादी जीअं चाहिनि हासिलु करे सघनि था। तशदुद चाहिनि त बि हुननि जी मर्ज़ी आहे, अदम तशदुद चाहिनि पुरम नमूने सां हासिलु करणु चाहिनि त बि हासिलु करे सघनि था। पूरी दुनिया में अवाम जे रद अमल खे तशदुद न आहे चयो वेंदो, चयो वेंदो अवामी बग़ावत आहे, अवाम जी बग़ावत जस्टिफाइड आहे, भली उहो रत जी सूरत में छो न हुजे। तंहिंजे करे अवाम असांजा माण्हू जॾहिं असांजी ॻाल्हि खे ओन कंदा तॾहिं हीअ रियासत असांखे न ॻोल्हे सघंदी। जेकॾहिं वेटनाम जे गोरीलनि वांगुरु भॼंदे भॼंदे वेटनाम जा गोरीला कंहिं घर में अंदरि दाख़िल थिया त उते जेको आहे सम्झो त उतां जो जेको मर्द हुयो उन धीउ खे अखई त हिन गोरीले सां वञी सुम्ही पियो, आरीसर साहिबु ॿुधाईंदो त उहा गोरीले सां अंदरि वञी हमबस्त्री वारे स्टाइल सां उहो त सुम्ही थी पवे ऐं हू भॼंदा त टप टप कंदा त हुनखे चवनि था त बाबा हेॾे गोरीलो आयो आहे, चई न गोरीलो त कोन आयो आहे, चई अंदरि कमरे में केरु आहे, चई हिते मुंहिंजो जेको आहे ॾाटो आहे ऐं मुंहिंजी धीउ आहे,
वो अंदर वही उन हालत में दिसन था तो उतना ही वापस अच्छा चंदा है। जाहिर है इन हालत में माना ये पा में जाल मुड़स हों पर गोरीला साफ हूँ नियत जहाँ पाक हूँ उन सूरत में भी उन ध्यान धरती ऐसा हों इतने विफिलजी न वा नतीजे में वापस मोटी आ उनजे उन अना के कुर्बान किया असा वट अना मौजूद आ असि गैरत इतने आई बो मिसाल मौजूद आ तो वो गोरीले के गोलींदे गोलींदे घर में पुजन था दिसन था तो माई कपड़ा टंगी थी पी उन चंदा था माई इतने गोरी लाया चे थी मुख्य खबर कान्ने का उन नंढड़े पुट के खड़ी और जंगुन का पकड़े ये बी वरी सवाल था कंस तो इतने गोरी लाया चे थी मुख्य खबर कान्ने का वही वे जंगुन का आखिरी दफो पुछन था इतने गोरी लाया चे थी मुख्य खबर ना चीरे ये उछलाइन था दिसन था तो माई के कक्कर ही को चो फर्क ही को समझन था माई जो पुट के बचाया जो अचे सा तो उतना वापस हलया था वन तो गोरीलो बाहर निकल तो अचे पुया तो माई की ची आभा तू वो पुट जो हाँ विड़ी तो ही मुझे वो पुट जो वी साल का विड़ी वी साल में आज़ादी ला इंतजार नी कर सका तो जैं कौम के आज़ादी पसंद के रूपोशी वाली हालत में कौम पन्ना दे तो दुनिया की का भी ताकत उन गोले नी सके तो तद अस विड़न मरन था तेसी तीन तव रियासत के वेड़ के जरिए भी शिकस्त न दई सको जैसे असि कौम यह गाल समझी वरती तो हि रूपोशी वाली हालत में हि फकीरी वाली हालत में हि गुमनाम मानू हि जो मरन था ये असाज ला था मरन जै ढी अस मू यह गाल समझी वरती उन ढी ऑप्शन तुम वटन चाहो टीएमसी द्वारा फिक्र अस कौम के दिमाग में नो वे जैसी तीन वे असिमसी फिक्र से ना पचन तेसी तीन तुम कौम के रियासत से ना विड़ा सको भले असा जहाँ दोस्त सबई कें मदद से या पांच मदद से पा इन रियासत से टकर चुका पर उ समझूँ मुखालिफ भी ना समझूँ अस उनके भा था समझो अस उनके राह जो राह ही था समझो पर मसलो यो आ इन तरीके से रियासत आवाम में खौफ पैदा करण में कामयाब वी तेज कर असंके आवाम में खौफ कढ़णो आए खौफ फैलानो ना रियासत कामयाब थी थे रियासत बार बार पैदा करे थी उनके अस सियासी सवाल से मिलाए उनके काउंटर करे वो जैसे अस कौमी सवाल के माना जो है मजमू तौर धरती जो सवाल साबित कर वियासी मजहब का उनके अलग कर वियासी तो अस रियासत के शिकस्त देने में कामयाब थी तेजे करे दोस्तों साईं जीएम सैयद जी वर्सी असंके बार बार पांजे नजरे पांजे फिक्र पांजे मकसद जी याद दियारी रहे थी इन करे जो दम गाफल सो दम काफर उ घड़ी जी साईं जीएम सैयद फिक्र का धार थी पो था कुफुर है इन कर अस मुला वगुर पंज वक्त नमाज न पर अस रात के सुम्हण वक्त जैसे ख्वाब लहूँ था तो ख्वाब में भी असि धरती के प्रचार में पान के मसरूफ दिसूँ तो समझा अस धरती से सही इश्क किया इन कर वतन से इश्क करण की जरूरत है इन कर उन इश्क में तवे मुस्तकिल मिजाजी से जिदोजहद करनी है पान के जबते में रखो है पांजे माना आज़ादी के लिए ईंदड़ नस्ल की आज़ादी लाइ पान के वक्फ कर छो है तेजे कर आज़ादी तक जिंदगी में मिली वे तो जबरदस्त न मिले तभी घट में घट यो तय है तो असं पानी ईंदड़ नस्ल लाइ माना सच्चाई से ईमानदारी से जिदोजहद कर वियासी जैसे ये जमीर से मुतमिन हूँ तो असा ईंदड़ नस्ल असि किरदार फख्र कंदा जी अज अस जीएमस के किरदार फख्र क्यूंता इन कर असंके बे तारीख जो किरदार बनो है अड़ो जो असाजे किरदार के ऐसी असंदड़ नस्ल यो सोचने से मजबूर थन तो असो वो ये सब गाल खूबियों के वो शादे कर जैं ढी वो ये समझी वो तो ये सब खूबियों के पुटा मुझे नजरियो तो असि नजरे के चुंबड़ी पवो रियासत उनके मारी तो सही मारे तो सी पर रियासत उन्हें नजरे का अलग न कर सी जी सिंधु देश जी साईं जी सर।